नमस्कार, मैं हूं सुमित चौराना। आप देख रहे हैं सर सरियाना। इस समय की सीधी तस्वीर है, आप थाना बाडला चरकी दादरी से देख रहे हैं कि 200 से कभी 200 करोड़ का मामला, तो कभी 1100 करोड़ रुपए बताए जाने लग रहे कि एक गरीब व्यक्ति जो कि मजदूरी का काम करता है उसके खाते में आ जाते हैं, और उन पैसों से छुटकारा पाने के लिए जो है ये थाने के चक्कर लगाने लग रहे हैं और फिलहाल बाडला थाना के अंदर पहुंचे हैं। आज SHO साहब ने क्या कुछ तफ्तीश की इस मामले की, जो ये आपका अकाउंट के अंदर बता रहे हो कि आप 200 करोड़ आए हैं, कभी बता रहे हैं 1100 करोड़ आ रहे हैं, क्या कुछ तफ्तीश SHO साहब ने किया आज? SHO साहब बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, करोड़ों में पैसे नहीं है, ओनली 60,000 रुपये का मामला है। और कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे बैंक में, और बैंक में स्टेटमेंट निकलवाएंगे और फिर हम आपको बता देंगे कितने पैसे हैं या नहीं है। यानी कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि 200 करोड़ रुपए आपके खाते में हैं या नहीं है? अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं है। अब आपने स्टेटमेंट कैसे निकलेगी दावा तभी। किया तो कि ये पैसे हमने हैं? जो 2 तारीख को यूपी पुलिस आई थी उनके पास से अकाउंट नंबर लिए थे, और उसी पे जानकारी टोल फ्री नंबर पे 2 बार जानकारी ली, और एक बार जो बैंक है यहाँ पे लानी जो तो हमारे नजदीक में, वहां पे पूछताछ के वहां गए हम, और वहां जब वहां पूछने लगे वहां पता चला वहां भी यही मामला सामने आया था कि करोड़ों में पैसे हैं। और यूपी पुलिस जो है कितने पैसे के मामले में आई थी? वो 60,000 रुपये के मामले में आई थी, जबकि SHO साहब बोले कि 25-26 हज़ार रुपये हैं जो कि होल्ड है, वो भी जिसने डलवाए थे उसने होल्ड करवाया। यानी कि मामला कुछ और था, और आपकी जो कह सकते हैं कि आपके जो समझने में जो कमी रही है कि आपने मामले को जो है कहीं और घुमा दिया, यानी कि 200 करोड़ का मामला बन गया हो। हाँ जी, तो तुम्हें केस और लागू होगा तुम्हारे पे। ये आपने बोला जब ना, बार बार, यानी कितनी बार पुष्टि की आपने बैंक से? बैंक 5-6 बार, से कम भी 5-6 बार तो की, बैंक से नहीं मतलब ऑनलाइन और बैंक मिला के यानी पांच छह टोल बार फ्री नंबर पे टोल फ्री नंबर पे 3-4 बार करी, और बैंक में जाके आए थे हम, एक बार बैंक में भी आपने गए थे। स्टेटमेंट नहीं निकलवाई बैंक से? स्टेटमेंट बोल रहे थे अगर मोबाइल नंबर इसमें दर्ज है तो ही स्टेटमेंट देंगे, और इस पे मतलब गुजरात पुलिस ने होल्ड करवा रखा है, हम इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आपको होल्ड बैलेंस बता सकते हैं। यानी कि इस खाते से जुड़ी सूचना सूचना आपकी है, यानी हाँ कि जी, आधार कार्ड, नाम, पता, ये हाँ सब जी, आपका है, मोबाइल नंबर और कुछ जो डिटेल होती है वो आपकी नहीं है, नहीं जी, वो मुझे कुछ नहीं पता, मोबाइल नंबर ठेकेदार के या किसी और के हैं दे रखे, वो मुझे कुछ नहीं और पता। इसीलिए शायद आप जो है ये ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी प्रशासन से क्या मांग करोगे? प्रशासन से यही है कि हमारे जो SHO साहब है ये बैंक में जाके हमारी स्टेटमेंट निकलवाएं और ये कंफर्म करवाएं इसमें कितने मतलब पैसे हैं, है या नहीं है, तो इसके हमारी लिए मदद करें, आपको मदद तो सूचना ये है कि आप ही आपके लेके। अकाउंट में पैसे हैं, अगर पैसे हैं भी तो क्या आगे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पैसे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि कोई 60,000 बता रहा है, कोई 25,000 बता रहा है, कोई कुछ इस अगले मामले हमें को झूठे बना मतलब के और फिर इस आरोप मामले को लगाया जा रहा मतलब है। फंसाया जा रहा है, कभी निकाला जा रहा है, कभी चढ़ाया जा रहा है, कभी उतारा जा रहा है, तो इस मामले में फिर कोई बड़ी साजिश हो सकती है अगर पैसे हैं तो। और आप बता रहे हैं कि SHO साहब ने बताया कि अभी पेमेंट का कंफर्म नहीं है, हाँ जी, आपका भी ये कहना कि आपको सिर्फ ऑनलाइन सूचना ही दी गई थी हाँ जी, मोबाइल के माध्यम से कि आपके और अकाउंट बैंक में में भी एक बार गए थे। पैसे, एक बार बैंक में भी गए थे, हाँ जी, उन्होंने दिखाया था बैंक में भी, बैंक में बोल मना रहे कर दिया थे दिखाने के लिए, मना कर दिया, स्टेटमेंट नहीं देंगे, बाकी उन्होंने होल्ड मोबाइल राशि थी वो बताई थी निकलवाने करोड़ों पर, में है। वो यानी कि लिख के बताई थी कि इतनी इतनी राशि है। हाँ जी, उन्होंने अपने मतलब बोल के भी बताई थी और वैसे लिखवाई भी थी, तो मतलब यही सामने आया कि वो करोड़ों में है। अगर जो आपके खाते में पैसे नहीं है तो क्या कुछ मामला होना चाहिए? पैसे में खाते नहीं है तो हमारे जो क्या हमें झूठे ऑनलाइन हैं? जो हमने पूछताछ की वो उन्होंने यही बताया, बैंक में पूछताछ की उन्होंने यही बताया, तो आप बताओ अगर एक एक बार हो 2 बार हो, लेकिन जब हम जब भी पूछते हैं यही सामने आता है, तो हम इसमें क्या कर यानी कि सकते हैं। बैंक की लापरवाही भी कह सकते हैं अगर पैसे नहीं पाए हाँ जी, जाते हैं बिल्कुल तो। कह सकते हैं बैंक की कौन सा लापरवाही। बैंक है जी? यस यस बैंक है बैंक। जी, यस बैंक ने कितनी बार आपको सूचित किया है कि चार इतने पैसे पांच हैं, चार दो पांच बार, बार जी। कि आपके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं और हाँ जी, होल्ड पे दो हैं? दो बार अमाउंट ये जितने भी जो आपने बताई पहले 200 करोड़ आप बोल रहे थे, लेकिन आज जो आपने डिजिट भेजे कुछ उसमें तो 1100 वो, करोड़ रुपए जैसे कि दिख रहे मैडम हैं। ने डिजिट लिखवाई तो क्या पता उन्होंने इकट्ठी लिखवा दी हो, तो इस वजह से, लेकिन 200 करोड़ प्लस तो मामला चल ही रहा है। देखो, और ये है, इसमें कुछ मोड ऐसा दिखा कि आप बता रहे कि ये आप खाता आपने खुलवाया ही नहीं, हाँ जी, तो ये किसी थर्ड पार्टी ने खुलवा रखा आपके नाम हाँ से, जी, हाँ कहाँ जी, का कौन है जी, कुछ पता है? ये जी ये बोड़ा कला गांव का है, ये जो ठेकेदार है विवेक नाम है आप उसी नौकरी ने। करने के लिए हाँ गए जी, थे? वहां पे नौकरी करने के लिए गया था, तो कुछ दिन मैंने काम किया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा अकाउंट चाहिए कि जो मैं खुलवाऊंगा उसमें पैसे डालू। मुझे ठीक है, खुलवा लो। उसने फिंगर वगैरह लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरे साइन करवाए, और बोलो ATM पासबुक खुद रख ली, मोबाइल नंबर मुझे ये नहीं पता उसका या किसी और का है। उनने ये बोल दिया अगर जब ये चालू होगा तो ATM और पासबुक तुम्हें दे दूंगा, इसकी फोटोकॉपी मैं रख लूंगा। ठीक है जी, जो एक दो दिन पूछने के बाद पता चला कि वो खुला नहीं, तुम्हारा होल्ड हो गया, ठेकेदार ने ये बोल दिया। फिर मतलब 2-3 बार ऐसे मेरे से लिए गए, और हर बार यही बोला गया आज खुला नहीं, आज तुम्हारा फिंगर नहीं आया, तुम वहां के हो इसलिए नहीं खुला, हर बार यही बोला गया जी मेरे।
बैंक ने आप तक तो, आपको एक बार भी स्टेटमेंट निकाल के नहीं दी है? नहीं जी, बैंक ने अभी बैंक तक कोई की आपके खाते से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं आपके पास? नहीं जी, बस अकाउंट नंबर हमारे पास और कोई दस्तावेज नहीं, वो भी यूपी पुलिस द्वारा। जिस खाते का जिक्र किया जा रहा है उसके अंदर आपकी क्या क्या डिटेल शेयर की गई है, उसके अंदर आपके क्या क्या जानकारी है बैंक के अंदर, यानी कि आपसे जुड़ी क्या क्या दस्तावेज जो उस खाते से जुड़े हुए हैं? मैंने साइन भी किए हैं, मेरे फिंगर भी लिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी लिए और फोटो भी ली होगी शायद, इतना किसने मेरे कर... लिए थे वो ये जो खोलने वाले होते हैं और ठेकेदार, मतलब जो बोलता है कि भाई इसका अकाउंट खोल, मुझे सैलरी के लिए चाहिए। अगर आपके खाते में पैसे हैं तो आपको क्या लगता है कोई बड़ा षड्यंत्र है या फिर क्या मामला? बिल्कुल बड़ा षड्यंत्र है, जब मतलब हमारे सरकार में आके भी ये मामला जो है रफा दफा करने की फिर कोशिश हो रही है, अगर पैसे हैं तो फिर इसमें षड्यंत्र ही और क्या है। बात सुनने को मिली कि अगर पैसे नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी किसी भी प्रकार से, क्या लगता है आपको क्या होगा? जी वो तो बैंक से जो हमें पूछताछ मिली उसी के ऊपर आधार में हमने किए, स्टेटमेंट दी नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते। इसमें किसका किसका दोष है और आप कितने निर्दोष है? हम तो जी निर्दोष ही निर्दोष है, बैंक का ही दोष है। जब बैंक पे हम उस नंबर पे भी जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दे रहा है और जो बैंक में गए वहां पे भी नहीं मिली, तो इसमें बैंक की दोष ही और क्या, शायद बैंक भी कुछ। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देख रहे थे आप बाड़ा थाना से, जहां पर एक पैसे का मामला था और पैसों से पीछा छुटवाने के लिए ये पूरा गांव, गांव के कुछ लोग हैं और इनके परिवार के लोग हैं, ये एसएचओ साहब से मिले, लेकिन एसएचओ साहब ने जो है ये कहा कि हम बिल्कुल पास में ही थे और कहा कि कल जो इस मामले की जो है बिल्कुल तफ्तीश की जाएगी, आज तो बैंकों की छुट्टी है, कल इस लड़के को जो है लेके यहाँ से जाया जाएगा और बैंक में इनके सामने जो है स्टेटमेंट निकलवा के देखी जाएगी कि क्या वास्तव में जो है इसके अकाउंट में 200 करोड़ या फिर 1100 करोड़ है या फिर खाली है। लेकिन मामला जो है यूपी से इसलिए जुड़ा है कि यूपी पुलिस आई थी, किसी व्यक्ति ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि इस जो नंबर जो उसमें तफ्तीश में लाया गया, यानी कि जो मामले में दर्ज किया गया नंबर भी बता रहे हैं कि इनका नहीं है, लेकिन इनके जो है सूचना यानी कि नाम पता जो है वो सब इनका है और उस मामले में तफ्तीश करने के लिए यूपी पुलिस आई थी। थाना एसएचओ बाडड़ा ने ये हमें जानकारी दी कि यूपी पुलिस इसलिए आई थी, वो तफ्तीश करना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक एफआईआर आई है। और बता रहे कल जो इनको भी कल कौन आया था आपके पास बुलाने के लिए? कल दो कांस्टेबल आए थे जो कि बाड़ा थाने से थे, ये बोले थे ऐसे तो साहब ने बुलाया आप चलो, मुझे अकेले को ले जा रहा था तो, लेकिन वहाँ मीडिया वाले थे और कुछ मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस के थे, वो बोले अकेला नहीं भेजेंगे हम, अगर एसएचओ साहब बुला रहे तो हम छिप नहीं रहे, हम कल पूरा गांव के साथ हम लेके आएंगे। अभी एसएचओ साहब से आप संतुष्ट हैं जिस प्रकार से आपसे बातचीत की, आपका समाधान करने की कोशिश की? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ चलें और हमारे को ये मतलब पूरा विश्वास करवाएं स्टेटमेंट निकलवा के कि इसमें क्या घोटाला हो रहा है। अभी आप संतुष्ट हैं एसएचओ से? अभी तो संतुष्टि है। ये तस्वीर आप देख रहे थे, साथ के साथ तस्वीरों को शेयर करते इस मामले से जुड़ी अपडेट आपको पल पल की अपडेट जो है देते रहेंगे। कल जो है सतनाली या फिर लोहारू जो है जाया जाएगा, बेंच ब्रांच जो है यस बैंक की ब्रांच में जाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि हम वास्तव में जो है इसके अकाउंट में 200 करोड़ या फिर 1100 करोड़ रुपए हैं या नहीं, या फिर इस मामले को जो है किस प्रकार से घुमा जा रहा है। अगर वास्तव में अगर पैसे अगर खाते में नहीं है तो यस बैंक के ऊपर भी जो है काफी सवाल खड़े होने लग रहे हैं, वो लापरवाही कह सकते हैं क्योंकि इनके पास आपके पास रिकॉर्डिंग भी है बैंक की, जो टोल फ्री नंबर पे आपने कॉल किया सारी रिकॉर्डिंग है जी उनकी, जो भी उन्होंने पेमेंट बताई या लिखवा के बताई वो सारी जी। साथ ही साथ तस्वीरों को शेयर कर दे, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जय बात सत्यमेव जयते। कैमरामैन अजय के साथ सुमित शोराण, सर सरियाणा। बोल रहे हैं।